दुनिया की सबसे ज्यादा माने जाने वाली दरगाह है अजमेर शरीफ, और इस दरगाह के अंदर है भारत की सबसे बड़ी कढ़ाई। जी हाँ, 4800 किलो की देग। और ये जो देग है ये आज से नहीं है, आज से 450 साल पहले बादशाह अकबर ने दी थी, और अभी तक यहाँ पे लंगर इसी कढ़ाई के अंदर बनता है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जो लंगर बनता है दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई में, वो किस तरीके से बनता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले जो है देखो खाली किया जा रहा है, और ये जो देख है इसमें दिन में जो है मेहमान आते हैं वो अपनी श्रद्धा से हमें चावल चढ़ाते हैं, रुपए चढ़ाते हैं। तो रुपए पहले निकाल लिए गए, और अब जो चावल और दाल है वो निकाली जा रही है। उधर से देखिए पानी चलाया जा रहा है इसके अंदर, उसके बाद इसे बनाया जाएगा जाफरानी राइस, जो कि यहाँ पे लंगर के तौर पे दिया जाता है। और अब ये देखिए देख को सजाया जा रहा है, फूलों की माला लगाई जा रही है इसके चारों तरफ। और ये देखिए बाहर की तरफ चंदन का लेप लगाया जा रहा है, पूरी देख के चारों तरफ ये लगाया जा रहा है। और ये जो ट्रेडिशन है 440 साल से चलता हुआ आ रहा है बादशाह अकबर के टाइम से। देखिए अब देख की शुरुआत की जा रही है, सबसे पहले चूल्हा जलाया जाएगा, उसके लिए आग चलाई गई है ये। और अब चूल्हा देख रहा है पूरा इंसान घुस गया इसके अंदर, यहाँ पे आग लगाई जाएगी, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे बनाया जाएगा इधर जो प्रसाद बनता है। पूरे साफ कर दिया, क्योंकि पानी फिर से भर दिया गया। और अब इसके अंदर देखिए हल्दी डाली जा रही है, तो ये देखिए ढेर सारी हल्दी डाल दी गई है इस देख के अंदर। और अब ये क्या डाला जा रहा है इसमें, अब ये मैदा डाली जा रही है इसके अंदर। तो गाइस हल्दी के बाद देखिए मैदा डाली गई है, आग अब जल चुकी है। कितनी तेज आंच यहाँ पे चल रही है, इतनी तेज आंच पे जो देख है वो गर्म हो रही है। और अब ये देखिए पलटना देखिए आप, मतलब कितने फुट का, कोई शायद 20-25 फुट का पलटना है। तो गाइस ये देखिए चावल आना शुरू हो चुका है, और जितना भी इसमें देख में यूज किया जाएगा चावल ड्राई फ्रूट सब जो है फ्रेश यूज किया जाएगा। और गाइस ये देखिए ये इसके अंदर चीनी डाली जा रही है, ढेर सारी चीनी डाली जाएगी इसके अंदर, क्योंकि 4800 किलो की देख है तो आप खुद समझ सकते हैं कितना सारा इसके अंदर जो मटेरियल हो जाएगा। और गाइस ये देखिए पलटा इतना बड़ा है कि एक आदमी नहीं चला रहा है, दो लोग उधर से लकड़ी वाले हिस्से को खींच रहे हैं, और दो लोग इधर है जिसने जिन्होंने रस्सी से बांधा हुआ है, इसे रस्सी से खींचा जा रहा है। ये देखिए अब इसके अंदर घी डाला जा रहा है, और देख इतनी बड़ी है कि कनस्तर इसके सामने बहुत छोटा लग रहा है। और गाइस ये देखिए अब चावल डाले जा रहे हैं, और जब बनाने की शुरुआत की जाती है वो खादिम या खादिम के परिवार के लोग ही करते हैं। तो पहले देखिए जो बच्चे हैं वो डाल रहे हैं इसमें चावल। और ये देखिए गाइस जब इसमें चावल का पूरा कट्टा पलट दिया गया है, एक कट्टा चावल का डाला जा चुका है, और अब देखिए एक और कट्टा डाल दिया। तो गाइस देखिए ढेर सारे चावल के कट्टे इसके अंदर डाल दिए गए हैं, क्योंकि 4800 किलो की देग है तो इसके अंदर चावल के कट्टे का पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक चम्मच डाला गया है। इतने सारे कट्टे चावल के डल चुके हैं फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। और देखिए गाइस जब ये चावल और घी डालने के बाद फिर से पलटा चढ़ाया जा रहा है इसके अंदर, और ये जो आपको अमूल बटर की टिक्की जैसा नजर आ रहा है ये पूरा एक कनस्तर है घी का। और अब गाइस इसके अंदर देखिए कलर डाला गया है, और अब देखिए जो रंग आया है इसे मिलाया जाएगा बहुत अच्छे से। और इतनी तेज आंच है, आप देखिए कितनी ज्यादा भाप ऊपर को निकल रही है, मतलब अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ऊपर आप हाथ लगा लीजिए देखो बिल्कुल ठंडी, मतलब नीचे से उबल रहा है सब कुछ ऊपर से बिल्कुल ठंडी है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम ही है कि यहाँ पे नीचे से पक रही होती है और ऊपर से बिल्कुल ठंडी होती है। आप कहीं से भी देख को हाथ लगा लीजिए। आप देखिए गाइस इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले जा रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर डाला गया खोपड़ा। और गाइस देखिए खोपड़ा डालने के बाद अब इसके अंदर डाला जा रहा है छुहारा, और छुहारे के बाद देखिए गाइस जब इसके अंदर काजू डाले जा रहे हैं, ढेर सारे काजू डाल दिए गए हैं इसके अंदर, 2 पैकेट काजू इसके अंदर डाल दिए गए हैं। काजू के बाद इसके अंदर डाली जा रही है किशमिश, तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर आएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं 2 पैकेट काजू डालने के बाद इसमें 2 पैकेट डाले जा रहे हैं किशमिश के, और किशमिश के बाद भैया पिस्ता डाला जा रहा है, अच्छा इलायची डाली जा रही है। तो किशमिश के बाद देखिए इसके अंदर डाली जा रही है इलायची। तो ये देखिए गाइस पूरा पैकेट इलायची का इसके अंदर डाल दिया गया है। 10-15 मिनट हो चुकी है, इसके ऊपर फिर से हल्की सी मलाई सी जम चुकी है, परत जम चुकी है, और इसके ऊपर और घी डाला जाएगा। ये देखिए गाइस एक कनस्तर घी इसके अंदर और डाल दिया गया है। अब इसे कोई 1 से 1.5 घंटा पकाया जाएगा ऐसे ही। गाइस देखिए कोई 15 मिनट और हो चुकी है, अच्छे से खोल रहा है ये, और अभी भी इसके अंदर पलटना देखिए चलता जा रहा है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से उबलने लगा है अभी। तो गाइस ये देखिए सब कुछ मिलाया जा रहा है, और 4 लोग मिलके मिला रहे हैं, कितनी मेहनत की जा रही है आप खुद देख सकते हैं। अब जो है पानी काफी सारा सूख चुका है, इसलिए अभी इसको मिलाने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब देखिए गाइस चावल अपना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अभी इसे घुमाया जा रहा है, फाइनल टाइम मिलाया जा रहा है, इसके बाद अब इसे निकाला जाएगा बाहर। और अब क्योंकि पक चुका है बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है पलटे को इसमें चलाने में। और अब ये देखिए गाइस पलटा बाहर निकाला जा चुका है, मतलब जो अपने जाफरानी चावल है वो पूरी तरीके से पक चुके हैं। अगर आपको पलटे की लेंथ पहले ना दिखी हो, अब देखिए पलटे की लेंथ कितनी है, कोई 20 से 25 फीट का तो ये पलटा है। और अब देखिए सीढ़ी आ रही है, और ये सीढ़ी जाएगी इस देग के अंदर। आप देखिए पहली बार आपने देखा होगा कि कढ़ाई के अंदर देग के अंदर आदमी खुद घुस रहा है, और ये इन्होंने जूते नहीं पहने हुए, ये कपड़े को मोटा करके लपेटा हुआ है। तो ये देखिए गाइस बाल्टी है, पूरी बाल्टी भर के बाहर निकाली जा रही है, और इतनी बड़ी बाल्टी है कि ऐसा लग रहा है एक छोटी सी चम्मच डाली गई है, तो इतनी बड़ी है देग है। आप देख सकते हैं पूरा एक आदमी देग के अंदर खड़ा है, और मतलब फिर भी पूरी देग खाली है। आपको देखने में लग रहा होगा कि देग बड़ी थी, इसके अंदर चावल कम क्वांटिटी में बने हैं, नहीं गाइस आप देखिए कम से कम भी 25 बाल्टी निकल चुकी है, उसके बाद भी पूरा आदमी खड़ा है। और आप देखिए पिछले कोई 7-8 मिनट हो चुके हैं, तब से लगातार यहाँ से बाल्टी पे बाल्टी भर के निकला जा रहा है, इतनी बड़ी बाल्टी
बार बार निकाली जा रही है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना चावल है। तो क्वांटिटी अब आप इमेजिन कीजिए कितनी क्वांटिटी है। और ये देखिए गाइस, बाल्टी निकाली जा रही है, तो निकल के बाल्टी ये जा रही है इधर इन ड्रम्स के अंदर, जहाँ से जिस भी जरूरतमंद होगा वो सब ये जो प्रसाद बना है इसको ले जा सकते हैं। जितने यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद आते हैं वो यहाँ पे इसका आनंद उठाते हैं। और ये देखिए आप, पूरा का पूरा ड्रम भर चुका है, और ये ड्रम भी ऑलमोस्ट कोई 4.5 फीट का होगा, ये पूरा भर चुका है। और ऐसे ही जितने भी ड्रम्स आप देख रहे हैं ये सारे भरे जाएंगे इससे। तो गाइस ये देखिए अपना तैयार हो चुका है ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का जाफरानी राइस, और ये जो है बनने में इसको 8 घंटे लगे हैं। कोई शाम थी जब ये बनना शुरू हुआ था, अब सुबह होने वाली है, बट फाइनली बनके तैयार हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ पे अजमेर शरीफ में आते हैं सब आके इसको यहाँ पे खाते हैं। जो कोई जरूरतमंद है वो भी यहाँ पे इसको ले सकता है, अपने घर भी लेके जाते हैं लोग, महीनों महीनों तक खाते हैं मैंने सुना है। तो मेरा पहली बार होगा ये टेस्ट करके देखूंगा। और आप ये देखिए कितना सारा इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, कितना इसके अंदर घी भरा हुआ है, और 4800 किलो की देग के अंदर बना है ये, जो कि अब की देग नहीं है। 440 साल पहले जब बादशाह अकबर यहाँ आए थे तब उन्होंने ये देग यहाँ पे दी थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनको बेटा हो जाए, और उनको जहांगीर हुए थे तब, तो तब उन्होंने यहाँ पे ये देग लगवाई थी। तब से यहाँ पे ये सिलसिला चला आ रहा है। गाइस घी से भरा हुआ है, हल्की सी मिठास है, और प्रसाद है, प्रसाद कैसे बुरा हो सकता है, बेहद लाजवाब। दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने, किसी की मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे फिर देग बनवाते हैं, लंगर करवाते हैं। वो लोग अपने किसी खादिम से बनवा सकते हैं, अगर आपके पास कोई खादिम नहीं है, आप भी बनवाना चाहते हैं, आपने कभी यहाँ पे मन्नत आके मांगी हो, आपकी मन्नत पूरी हुई हो, तो आप नवाज भाई से संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था ये जाफरानी राइस बनते हुए और दरगाह में इतने अच्छे से इतने सुकून से दर्शन करते हुए, ये बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। Gracias.